गाइज वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एजेंसी और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वन प्लस 8 प्रो का जो है स्क्रीनशॉट लीक्ड हो चुका है अबाउट फ़ोन का, जिससे हमें इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चला है, साथ ही साथ वन प्लस 8 प्रो का क्या डिज़ाइन होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे हमें पता चल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस 8 प्रो के डिज़ाइन के बारे में, साथ ही बात करेंगे कि इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो बैक साइड से आपको जो है ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलेगा और साथ ही पीछे की तरफ से आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। कैमरा जो है वर्टिकली प्लेस्ड है और उसके जस्ट नीचे आपको वन प्लस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट के बारे में तो यहाँ पे आपको पंच और नॉच डिज़ाइन का यूज़ किया गया है वन प्लस 8 प्रो में और बॉटम साइड से आपको USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर और माइक देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के राइट साइड से आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं वन प्लस 8 प्रो में आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.65 इंच का एक बड़ा सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे आपको QHD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच और नॉच दिया गया है, जिस तरह से आपको MI 10 प्रो या फिर MI 10 में देखने को मिल, कुछ इसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो में भी यूज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही दिया गया है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो पीछे की तरफ से आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा और इसका जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको एक 3D कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही पीछे की तरफ से डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है। अब बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में दोस्तों, तो फ्रंट कैमरा के कुछ भी लीक सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वन प्लस 7T में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से वन प्लस 8 प्रो में आपको 20 या फिर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में तो वन प्लस 8 प्रो में ये चीज़ कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि है स्नैपड्रैगन का 865 का चिपसेट विद ऑक्टोकोर 2.9 GHz के प्रोसेसर के साथ। जो GPU वो आपको एडेनो का 650 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा विद ऑक्सीजन OS के। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 6GB रैम, 8GB रैम एंड 12GB का LPDDR5 रैम देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB, 256GB एंड 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। फिलहाल इसके बैटरी के बारे में कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं निकल के आया, बट मेरे हिसाब से आपको वन प्लस 8 प्रो में 4500mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, क्योंकि वन प्लस 7 प्रो में आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिला था और वन प्लस 7T में आपको 4200mAh का बैटरी देखने को मिला था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है बैटरी में। तो वन प्लस 8 प्रो जो ये आपको एक 5G डिवाइस होने वाला है, साथ ही यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ लीक सामने निकल के आएगा वन प्लस 8 प्रो से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूं एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।